आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। डूंगरपुर थाना क्षेत्र साबला के गांव गडादा सुंदी जहां एक साल की बच्ची को उसके ही पिता संजय मीणा ने कुएं में फेंक दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। पुलिस थाना प्रभारी थुलजी प्रजापति मौके पर जाकर बच्ची का शव को कुएं से बाहर निकलवाया। शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साबला में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। गांव वाले का कहना है कि इसका पिता का दिमाग असंतुलित है, जो पागल की तरह रहता है। संजय मीणा बच्ची को उठाकर ले गया। जब पत्नी ने अपने घर वाले को जानकारी दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्ची को परिवार वाले ढूंढने निकले तो गाँव के एक नजदीकी कुएं में तैरती बच्ची की लाश मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश प्रारंभ की। खबर आपकी राजस्थान से प्रवीण कोठारी की रिपोर्ट। जरिए टेलीफोन मुझे सूचना मिली कि एक बच्ची की लाश कुएं में पड़ी है, जिस पर मैं जाप्ता के मौके पर पहुंचा और मौके पर पहुंचने के बाद वहां देखा कि बच्ची की लाश कुएं में पड़ी हुई थी। फिर उसके दादाजी देवीलाल जी ने सूचना FIR दी कि मेरा बेटा और मेरे बहू दोनों सोए थे, बहू के पास बच्ची सोई थी और बच्ची को सुबह 5 बजे उसका पिता उठा के लेके गया। वो बात हम बहू ने बताई हमारे घर वालों को। हमने तलाश की, तलाश करते करते पता चला कि कुएं के पास संजय बैठा था, जो हमको देख के भाग गया और बच्ची कुएं में पड़ी थी, जिसकी बच्ची को निकाल के विधिवत कार्रवाई करके पंचायतनामा करके लाश का पोस्टमार्टम कराया।